सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। पंजाब विच हड़ दी स्थिति दरम्यान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिता वड्डा बयान। कहा हड़ प्रभावित जिलों में स्थिति उत्ते निरंतर निगरानी रखी जा रही है। मणिपुर में दो औरतों नग्न करके घुमाने के मामले में मुख्य दोषी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंसल ने दिया बड़ा बयान। कहा मान सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों को हर तरह की सहूलत करेगी प्रदान। हड़ प्रभावित जिलों संकट विचों कढ़ने लई सूबा सरकार की दृढ़ वचनबद्धता का प्रगटावा करदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह पठानकोट तो सरदूलगढ़ तक सूबे भर में हड़ां कारण पैदा हुई स्थिति उत्ते निरंतर निगरानी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ां कारण सूबे में पैदा हुए हालात उत्ते उन्होंने निजी तौर उत्ते नज़र रखी हुई है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार हड़ पीड़ित लोगों को समय सर राहत पहुंचाए जाने लई वचनबद्ध है। इस नेक कार्य लई कोई कसर बाकी नहीं छड़ी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि सूबा सरकार इस औखी घड़ी विच लोगों के नाल डट के खड़ी है ते उन्होंने लोड़ींदी मदद दिती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार के मंत्री उच्च अधिकारी ते होर प्रशासनिक मशीनरी पहला ही लोगों की इमदाद लई पूरी तरह सरगर्म है। ब्यास दरिया विच लगातार पानी की आमद वधदी जा रही है जिस कारण इस दे आसे पासे वसदे पिंडां दे लोकां विच डर अते सहम दा माहौल बणिआ होइआ है। इसे दौरान थाणा ढिलवां दे SHO बलबीर सिंह ने देर रात पुलिस पार्टी नाल गश्त करदे होए हालातां बारे जानकारी स्पष्ट कीती। उन्हें कहा कि वह पुलिस टीम समेत लगातार मंड खेत्र का दौरा कर रहे हैं। उन्हें साफ किया कि फिलहाल दीआं रिपोर्टां अनुसार ब्यास विच वध रिहा पाणी नुकसान कर सकदा है, इसलिए लोगों को जागरूक करन अते इलाके विच नज़र बनाए रखने लई वह दिन रात काम कर रहे हैं। स्थिति अजे फिलहाल नाजुक भी है तो नहीं भी है, पर असी अपने तौर पर साढ़े जो मानयोग SSP साहब ते पंजाब सरकार दी हदायतां ते जिहड़े लोग रेस्क्यू करन वाले आ उन्हां नूं सचेत कर दिता। समय तो पहले ही कर दिता सी उन्हां नूं, जिहड़े कुछ अजे विच बैठे उन्हां नूं भी असी अवेयर कर दिता कि खतरा हैगा ते अपने आप नूं तुसीं जिथे किते सुरक्षित जगह ते खड़ सकदे हो ले जा सकदे हो लै जाओ। अगर साडी जरूरत है किसी गुरद्वारे मंदिर च ठहराउण दी जगह मिलण वास्ते ते असीं उन्हां नूं नालों नाल जाणू करा रहे हैं। फिलहाल स्थिति जी अंडर कंट्रोल। मणिपुर में दो औरतों की गई हैवानियत ने समुची इंसानियत को शर्मशार कर दिता है। इस घिनौनी करतूत की वीडियो सोशल मीडिया उत्ते तेजी नाल वायरल हो रही है। बुधवार को मणिपुर तो एक वीडियो सामने आई थी जिस विच भीड़ वालों दो औरतों नग्न हालात में परेड करवाई जा रही थी ते नाल ही घिनौनी हरकतें की जा रही सन। यह घटना 4 मई की दसी जा रही है। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडरस फार्म के बुलारे मुताबिक शर्मनाक घटना 4 मई को कांकपोकपी जिले में वापरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुरुष लाचार औरतों बिना कपड़ों के घुमा रहे हैं तो उन्होंने लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। दोवें बेबस औरतों रो रो के उनकी मिन्नत भी कर रही ने। इस वायरल वीडियो से देश भर के सियासी नेतावान फिल्मी सितारों के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करदे मणिपुर पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने 4 मई को पुरुषों के एक समूह द्वारा दो औरतों कथित तौर उत्ते सड़क उत्ते नंगे घुमाउण की एक वीडियो उत्ते प्रतिक्रिया दी है। इस विच शामिल लोगों नूं फांसी की सज़ा देने का भरोसा दिता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मणिपुर में दो औरतों उत्ते जिनसी हमले की वापरी घिनौनी कार्रवाई उत्ते डूंघे दुख का इजहार किया है और सणमनुखी जुर्म नूं अंजाम देने वाले नूं मिसाली सज़ा देने की मांग की है। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत मंदभागी गल है कि बेसहारा औरतां मनुखता विरुद्ध इस घिनौने अपराध का शिकार हुई हैं। भगवंत मान ने कहा कि वैशी घटना मुल्क की जमीर उत्ते वड्डा कलंक है। उन्होंने कहा कि इस घटना की सारे वालों निंदा की जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि यह घिनौना ते अणमनुखी कर है जिस कारण अज हर देशवासी शर्म महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोषियों को मिसाली सज़ा दवाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजिहे अपराधी किसी भी तरह के लिहाज के हकदार नहीं ने अते अजिहे लोगों नाल देश के कानून अनुसार सख्त तो सख्त सज़ा दे के नजिठाया जाना चाहिए।
जगराऊं तो विधायक सरबजीत कौर मणुके ने मणिपुर में वापरे कांड की निखेधी की है। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री इस गंभीर मामले उत्ते चुप क्यों ने। उन्हें कहा कि सरकार दोषियों उत्ते कार्रवाई करने की बजाय मामले नूं दबाउण की कोशिश करती नजर आ रही है। थोड़े जे दिनों के दो औरतों की नगन वीडियो खेतों के उस नाल हो रहे समूहिक बलात्कार की देख रहे हैं, जिसनों कोई ऐसी गल नहीं कि मैं कल्ली देख रही हूँ, सारा समाज देख रहा। तो अख हर इंसान की शर्मशार हो रही है। तो सवाल मैं कर रही हूँ प्रधानमंत्री जी तो भाई की तुहाडे राज दे विच तुसी जिस मकसद नाल जिस मनसूबे नाल आए सी कि असी बेटियां की इज्जत बहाल करांगे, ये दो तीआं जिहड़ियां खेतां दे विच अपनी नगन हालत दे विच अपनी जिंदगी बचाउण दे लई इन्हां दरिंदियां तो जिहड़े देखण नूं तां इंसानी चेहरे ही लगदे आ पर किसी खूंखार जानवर भेड़िए तो घट नहीं, जिन्हां दे वड्डे वड्डे नुकीले दंद तां नहीं है पर वीडियो देखण वाला हर बंदा देख रहा कि यह मेरिया इन्हां धीआं नूं नोच के जरूर खा जाए, मेरे इन्हां बच्चियां नूं खिच के धू के ये गिरजा जड़ियां साड़ियां बच्चियां नूं खून खिंजन लगियां होईयां इन्हां नूं देख के जिते हर औरत दा दिल दहल रहा, जिते साडे बच्चियां दा भी पंजाब दे मुंडियां दा भी दिल दहल रहा भी ये की हो रहा, उत्थे साडे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों आ, उत्थे साडे गृह मंत्री जी चुप क्यों आ। सब तो वड्डी ते हैरानी गल तां इह है जदों इस वीडियो बारे जिस औरत ने आवाज़ चकी उसके परिवार को साड़ दिता तो खिड़खिड़ीस के उन्हें लेके गए उस जगह पर पुलिस वाले मौजूद से। मुख्यमंत्री जी वरिंदर सिंह जी पुलिस ज़्यादा तो अंडर होएगी नहीं, गृह मंत्री जी दे अंडर तो है ही है सारा कुछ कि तुहानू उन्होंने चेहरे देख के नहीं पता लग रहा भी पुलिस वाले किहड़े सी। मेरे वास्ते अणजाण हो सकते हैं, तुहाडे वास्ते अणजाण हो सकते हैं, पर की मैं हैरानी वाली गल यह है कि उतों के डी जी पी वास्ते भी अणजाण आ, उतों के लोगों वास्ते भी अणजाण। अज पूरा देश इस गल का जवाब मंग रहा कि मुख्यमंत्री मणिपुर ते प्रधानमंत्री सिर्फ चुप, ना सिर्फ आप चुप आ आप मौन है, नाल दी नाल वो इस गल का भी प्रमाण दे रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेट बंद करता कि लोगों की आवाज़ भी बंद कर दी। पंजाब सरकार के सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल लड़के फिलौर जिला जलंधर पहुंचे तो उन्होंने स्कूल का विजिट किया, स्कूल की बिल्डिंग वधिया बनाने की गल कही है। उन्हें कहा कि इसका ब्लॉक भी वधिया बनाया जाएगा। पंजाब सरकार वालों सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत समेत होर सहूलत सरकार जल्द प्रदान करेगी। इस मौके SDM अमनपाल सिंह फिलौर, प्रिंसीपल प्रेम कुमार, हलका इंचार्ज फिलौर, ज्वाइंट सकत्र पंजाब हरकमल सिंह, सबका सरपंच बेगमपुरा वैभव शर्मा, कौंसलर मनदीप सिंह ते होर पतवंते सज्जन हाजिर सन। सिलेक्ट होया जी इहदा काम जिहड़ा है पंचायती राज वालों किया जाना, इहदी सारी स्टडी हो चुकी है तो बहुत जल्दी टेंडर फ्लो किया जाऊगा। तो मैं कुछ चैक करना है कि होर की कुछ रिजल्ट होगा आने वाले महीने, तुम्हें स्कूल शानदार मिलेगा, पुरानी बिल्डिंग है उसकी भी रेनोवेशन की जाएगी, नवा ब्लॉक भी बनाया जाऊगा, प्लस जो होर अदर अमेनिटीज़ है, अपडेटेड लैब्स, अपडेटेड लाइब्रेरी, ग्राउंड, वो सब कुछ वधिया होगा। सर जो बच्चे है जो स्कूल प्राइवेट स्कूल है उन्होंने प्रमोशन करने लिए सरकार वालों की एफर्ट कि वो सरकारी स्कूल आगे पढ़ने थोड़े सामने जी एफर्ट ही है कि तुम हूँ भी देखो अज भी इतने थोड़े सामने तीन बच्चे आए हैं तो अगले साल तो तुम भी अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाओगे मेरा वादा है। आम आदमी पार्टी तो लोग सभा के मैंबर सुशील कुमार रिंकू ने अज लोग सभा में संसद मैंबर वजों सौं चुकी है। मई महीने दौरान हुई जलंधर लोग सभा सीट की जिमनी चोण दौरान सुशील कुमार रिंकू ने जित हासिल की। सुशील कुमार रिंकू ने जिमनी चोण 57,000 तो वध वोटों के फर्क नाल नेड़ले विरोधी नूं हराया। चोणों तो पहला सुशील रिंकू ने हर वर्ग के लोगों नाल मुलाकात की सी ते उन्हां दीआं समस्यावां सुणीआं सन। जिक्रयोग है कि पंजाब विच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विच 14 जनवरी नूं जलंधर तो कांग्रेस के संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पैण करके देहांत हो गया। अचानक सेहत खराब होने मगरों नूं तुरंत फगवाड़ा दे अस्पताल विच लिजाया गया, जिथे डॉक्टरां ने उन्हें मृतक ऐलान दिता, जिस तों बाद
जलंधर की सीट उत्ते जिमनी चोण हुई सी। धन्यवाद करना चाहवांगा जलंधर दे उन्हां वोटर साथियों का जिन्होंने बहुत वड्डी गिनती दे नाल मार्जन दे नाल जिता के आम आदमी पार्टी का जिहड़ा नुमाइंदा लोक सभा दे विच भेजिया। सो अज जिहड़ा सहुं चक समारोह है तां उहदे नाल नाल जिहड़ा अज दा बिजनेस है हाउस का उहदे विच जिहड़ा दिल्ली नूं लैके जिहड़ा काला कानून बनाया अज पहले दिन ही केंद्र की सरकार ने वह बिल जिहड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे। सो आम आदमी पार्टी और जिहड़ियां लाइक माइंडेड पार्टियां सारियां असीं इकट्ठे हो के इस बिल का जिहड़ा पुरजोर विरोध करांगे और इहदे नाल नाल पंजाब दे जिहड़े और देश दे जिहड़े भखदे मसले है जिहदे विच सारे नालों वड्डा मसला जिहड़ा इस वेले पंजाब दे विच हड़ां दा मसला पंजाब दे पानियां दा मसला और पंजाब दे विच जिहड़े देश दे जिहड़े बेरोजगार लोग आ उहनां दा मसला महंगाई दा मसला और GST दे बहुत सारे जिहड़े मसले आ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1x1 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਸਥਿਤ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਆਧਾਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਜੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 6523 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6523 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ 262 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਟਾ ਲਈ 2777 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ 97 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1750 ਪੁਰਸ਼, 1020 ਔਰਤਾਂ, 1 ਬੱਚਾ ਅਤੇ 6 ਸਾਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਈਏ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।